हेलो दोस्तों, हम राजमिस्त्री इंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो छत में जो बीम देता है उसको नापी कैसे किया जाता है, और छत में जो बीम देता है क्या छत नापी करते समय बीम भी नापी होना चाहिए कि नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही खुलासे करने वाले हैं कि जब छत हम ढलाई करते हैं, अगर बीम वाले सेटरिंग जो हमारे छत का होता है, तो ठेकेदार जब ठीका लेता है चाहे कुछ भी रोज पर भी हो, तो जो बीम जो है ना वो नापी में आता है। तो इस तरह से देखिए, जहाँ जहाँ बीम दिया गया है वो सब नापी में आएगा। तो किसी को अगर पता नहीं रहता है कि छत ढालने पर बीम का नापी भी होगा, तो जी हाँ, बीम का नापी होता है। जहाँ भी आप बीम दीजिएगा इस तरह से छत में, तो आपका ये नापी मिस्त्री ले लेगा। किसी को आइडिया नहीं रहता है तो बीम नापी ठेकेदारी हो चाहे रोजा, छत में जो है बीम नापी मिस्त्री कर लेगा। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं छत और बीम दोनों नापी होता है। तो आज का वीडियो में इतना ही बस बताने वाले थे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।